السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه هداه أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وقال في موضع آخر وعاشروهن بالمعروف صدر مجلس معزز علماء کرام इस कॉन्फ्रेंस के रूहे रवान बिरादरन किफ़ायतुल्ला सनावेली हफ़िज़हुल्ला और मुअज़्ज़ज़ हाज़रीनों हाज़रात, मुझे जो मौज़ू दिया गया है वो मौज़ू है मर्द का हक़ तलाक़ और औरत का हक़ खुला। ये उन्वान बता रहा है कि किसी एतराज़ का जवाब है। जो एतराज़ हमारे अपने बिगड़े हुए माहौल, दीन से दूरी, अहले मगरिब की तकलीद और दूसरे मुआशरों से मुतासिर होने के नतीजे में, या हमारे केसेस खुला और तलाक के जो कोर्ट और कचहरियों में पड़े हुए हैं, जहां पार्लियामेंट के मेंबरान को भी हैरान और परेशान करते हैं, वहीं ये उन्वान बता रहा है कि हमने लोगों को ये सवाल, ये शुबहा पेश करने का मौका दिया कि हमारे यहां ये परेशानी क्यों है। तो सवाल है कि मर्द का हक तलाक है और औरत का हक खुला है। हजरत, इस सवाल का जवाब समझने से पहले या इस एतराज का जवाब समझने से पहले हमें यह समझना चाहिए कि इस्लाम के यहां निकाह का तस्वूर क्या है। इस्लाम उम्मते वसत है, इफरात और तफरीद के दरमियान एक निज़ाम पेश करता है। कुरान चीख चीख कर कहता है सूद के मसले में, व इन तुबतुम फलकुम रुउस अमवालिकुम ला तज़लिमूना वला तुज़लमून, तुम ना तो जुल्म करोगे और ना तुम पर जुल्म किया जाएगा। शरीयत का एक मशहूर कायदा है एक हदीस की रोशनी में, ला ज़रारा वला ज़िरार, ना तुम किसी को तकलीफ दोगे ना तुम्हें कोई तकलीफ देगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन अल्लाह आता कुल्लज़ी हक़्क़िन हक़्क़ा फला वसीयत लिवारिस, हर साहिब हक को उसका हक दिया जाएगा। लिहाजा हमें यह जानना है कि इस्लाम के अंदर जुल्म और ज़्यादती क़तअन नहीं है। इस्लाम हर एक की फितरी जरूरतों को पूरी करता है। इस्लाम खुशी के मौका पर भी मकसद तख्लीक को फरामोश नहीं करता, इबादत की बात करता है। ये निकाह, जिसे लोग जिनसी ख्वाहिशात की तकमील का जरिया कहते हैं, इस्लाम ये कहता है उफी बुद अहदिकुम सदका, तुम अपनी बीवी से हम बिस्तर हो गए, ख्वाहिश नफ्स की तकमील कर रहे होगे, लेकिन याद रखना तुम्हारी जिनसी ख्वाहिश की तकमील तो हो रही है, जिसके नतीजे में तुम्हारे यहां औलाद आएगी, जिस नेक औलाद के नतीजे में तुम्हारे लिए सदके जारिया का इंतजाम होगा, वो दुआएं कर रही होगी, लेकिन कयामत के दिन तुम्हारे दर्जात बुलंद होंगे। लेकिन याद रहे ये भी इबादत है। सहाबा को ताज्जुब हुआ कि हम अपनी बीवी से अपनी जिनसी ख्वाहिश पूरी करते हैं और इस पर हमें सदका और अज्र क्यों मिलता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अकली एतबार से समझाया और कहा, भला ये बतलाओ जो अपनी रातों को गैरों के यहां जाके रंगीन करते हैं, हराम कारी के रास्तों को ढूंढते हैं, क्या उस पर उन्हें गुनाह नहीं मिलता। कहा क्यों नहीं, कहा तो जब कोई जायज रास्ता ढूंढता है, शरीयत पर अमल करते हुए अंबिया की सुन्नत की तकमील करता है, कुरान करीम का हुक्म मानते हुए अल्लाह उसके रसूल के हुक्म की पाबंदी करता है, तो उस पर अज्र क्यों ना मिले। लिहाजा एक मुसलमान को यह समझना चाहिए कि निकाह ये दीन की भी तकमील है, ईमान की भी तकमील है, अजर व सवाब का भी बाइस है, अल्लाह उसके रसूल की हुक्म की तामील भी है, और इतना ही नहीं बल्कि रब्बुल आलमीन ने तो अपनी निशानियों से निशानियां करार दी। फरमाया, वमिन आयातिहि अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, उसकी निशानियों में से है कि उसने तुम्हारे ही अंदर से तुम्हारा जोड़ा पैदा किया, ताकि तुम दिल के तकान से, मुश्किलात से, परेशानियों से, गमों से निढाल होकर के आओ, तो अपनी मुखालिफ जिंस के पास
प्राइवेसी में जब हो, अलग घर में हो, ज्वाइंट फैमिली से हट करके पर्सनल जिंदगी में जब जाओ तो तुम्हें सुकून भी हासिल होगा, जवानी में मोहब्बत भी मिलेगी, बुढ़ापे में तुम एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होगे, बेटों की ज्यादतियां, बहुओं की ज्यादतियां, बेटों की फजूल खर्चियां, बहुओं की फजूल खर्चियां, इन तमाम गमों से एक दूसरे के साथ तरहम का जज्बा पैदा होगा और गमों को बांटोगे। एक मुसलमान को यह समझना चाहिए, आज जो तलाक की शरहें और खुला की शरहों में जो इजाफा हो रहा है, इसकी बुनियादी वजह है कि हम दीन से दूर हैं, इसकी बुनियादी वजह है हमारे यहां बर्दाश्त का मादा नहीं है, इसकी बुनियादी वजह है कि हमारे घरों में सीरियल ड्रामे और इस किस्म की चीजों ने हमारे घरों का माहौल खराब कर दिया है। दीन की दूरी के नतीजे में इबलीस का सबसे बड़ा फंडा और सबसे बड़ा हथकंडा यही है। सही मुस्लिम की मशहूर रिवायत है, रोजाना मजलिस लगाता है, अपने लोगों से पूछता आज का शेड्यूल तुम्हारा था, क्या क्या करके आए, कोई कहता है मैंने फला को गुमराह किया, कहा कुछ नहीं किया, एक आके कहता है आज इतनी मेहनत की कि मियां बीवी में जुदाई कर दी, गले लगाता है और बगलगीर होकर के शाबाशी देता है। पता ये चला कि शैतान के बहुत सारे हरबे हैं, उनमें से अहम तरीन हरबों में से मियां बीवी की जुदाई भी है। सूरह बकरा में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हारूत और मारूत के वाक़े को जिक्र किया, वहां ये भी बताया वयतअल्लमून मिन्हुमा मा युफर्रिकून बिही बैनल मर्इ व ज़ौजी, ये जादूगर हजरात ये मियां बीवी से जुदाई का रास्ता ढूंढते हैं। पता ये चला कि अगर शादी मशवरे से किया जाए, शरई उसूलों से किया जाए, इबादत समझ के किया जाए, शरई उसूलों पर रहते हुए जिंदगी गुजारी जाए तो तलाको खुला की नौबतें कम आएंगी। ये आखिरी हल है, ये कोई फैशन नहीं है, ये कोई बंदूक की गोली नहीं है कि जज्बात में आकर तलाक तलाक कह करके और उसके बाद हरामकारी का रास्ता ढूंढते हुए, बेगैरती का रास्ता ढूंढते हुए हलाला कराया जाए, जहां कहीं हलाला की कीमत लाख डेढ़ लाख दो लाख तक पहुंचती है, जो खुल्लम खुल्ला जिनाकारी और बदकारी है। शरीयत जुल्म नहीं करती, शरीयत इंसाफ करती है, हर साहिब हक को उसका हक देती है। कुरान करीम को मुकम्मल पढ़ जाइए, शरीयत ने जरूर तलाक का हक मर्दों को दिया है, लेकिन उसके यहां जुदाई के कुल 5 तरीके हैं। एक तरीका तलाक का है, दूसरा तरीका खुला का है, तीसरा तरीका लियान का है, चौथा तरीका फस का है और पांचवा तरीका तफरीक का है। तलाक को छोड़ करके बकिया सब फस की सूरतें हैं, ये अलग बात है, नौईयत बदल जाती है, लेकिन याद रहे मर्द को ये हक तलाक दिया है। हम ऐसे तमाम लोगों से कहते हैं, चाहे वो अपने हों या पराए, कि शरीयत ने मर्द को हक के तलाक इसलिए दिया है क्योंकि कुरान कहता है अर्रिजाल कव्वामून अला निसा, मर्द ये हाकिम है, ये कव्वाम है, ये है अपने नफ्स पर कंट्रोल रखता है, अपने साथ साथ अपने बच्चों और बीवी को भी कंट्रोल रखने की इसके अंदर सलाहियत है, ये मुश्किलात को फेस कर सकता है, ये उस तरह से नहीं खवातीन जो जुबान की तेज तो होती हैं, तो फिरना लान व तकफुरना अशीर के तहत नबी के फरमान के मुताबिक ये लान तान बहुत करती हैं, घरों में घर का माहौल पूरा गर्म रखती हैं, लेकिन जब मामला लोगों के सामने फेस करने का आता है तो अपने जज्बात पर कंट्रोल नहीं करती। अल्लाह फरमाता है कि ये है जेवरात में पलती हैं, लेकिन लड़ाई झगड़े के मौका पर अपनी माफी जमीर को अदा करने से कासिर होती हैं। औरतों की कमी है, इसीलिए उनको सिन्फ नाजुक कहा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नाकिसात अक्ल भी हैं और नाकिसात दीन भी हैं। क्यों नाकिसात अक्ल हैं? कुरान के अंदर आयत दैन में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया वस्तशिदु शहीदैन मिन रिजालिकुम, गवाही की बात आए तो दो मर्द चाहिए, फइन लम यकुन रजुलैन फरजुलुन व मराचान, अगर दो मर्द गवाही के लिए ना मिले तो एक मर्द की जगह पर दो औरतें लाओ, एक भूलेगी तो दूसरी याद दिलाएगी। पता ये चला कि औरत मर्द के मुकाबले में कमजोर है,
वो जंग में नहीं जा सकती, वो तनहा सफर नहीं कर सकती, तनहा सफर करने में उसकी इज्जत और आबरू का खतरा है। वो इस बंबई जैसे शहर में, इस बरसात जैसे मौसम में वो घर घर जाकर के लोगों के लिए या ऑफिसों में जाकर के वो उस तरह से ड्यूटी नहीं अंजाम दे सकती, बोझ नहीं उठा सकती जिस तरह से मर्द उठा सकता है। इसलिए शरीयत ने औरत को हक तलाक नहीं दिया है। हम समझे ना समझे, हुदूद परिंदे ने तो समझ लिया था कि हुकूमत का हक मर्द को है, औरत को नहीं। अल्लाह के नबी ने फरमाया था वो कौम कैसे कामयाब हो जाएगी जिसने अपने मामले को औरत के हवाले कर दिया। आपने निकाह से मुतालिक सुना कि विलायत का हक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मर्दों को दिया है, औरतों को नहीं दिया, क्योंकि सूझबूझ, अक्ल व ज़हानत और जिस्मानी कुव्वत और ताकत ये मर्दों के यहाँ है। और इसलिए भी अल्लाह ने फरमाया वो बीमा अनफकू, खर्च मर्द कर रहा है, औरत पर खर्च की जिम्मेदारी नहीं है। गरचे उसे मुख्तलिफ अंदाज में मीरास से हिस्से मिल रहे हैं, गरचे उसको तिजारत का हक है, उसे ज़िराअत का हक है, उसे कमाई का हक है, अल्लाह ने उसकी हक के मिल्कियत को तस्लीम किया है, शरीयत ने उसके दर्जे को बुलंद किया। कहीं अगर वो जिंदगी के लायक नहीं थी, जिंदगी का हक दिया, तालीम का हक दिया, मीरास में हक दिया, मुख्तलिफ अंदाज में उसके हुकूक को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शरीयत ने अता किया, लेकिन जिस काम के लायक नहीं उसे उसका हक नहीं दिया। याद रहे, जब शरीयत न जुल्म को बर्दाश्त करने के लिए और न जुल्म सहने के लिए, लिहाजा जब हालात खराब हो, पर्सनली तौर पर, इनफरादी तौर पर सारे रास्ते मस्तूद हो जाएं, वल्लाती तखाफून नुशूज़हुन्ना फ़इदूहुन्ना वहजुरूहुन्ना फिल मवाजे वद्रिबूहुन फ़इन अतानकुम फला तबू अलैहिन्ना सबीला। एक मर्द औरत की नाफरमानी देखे, जिस औरत के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चार काम करने की वजह से जन्नत के आठों दरवाजों के बारे में कहा, जिस दरवाजे से चाहे दाखिल होना दाखिल हो जाए, उनमें दो चीजें हैं सौम सलात और दो चीजें उसके शौहर से मुतालिक है। आपने फरमाया सल्लत खमसहा, पांच वक्त नमाज पढ़े, सामत शहरहा, माह रमजान के रोजे रखे, और दो चीजें जो शौहर से मुतालिक हैं, अहसनत फर्जहा, अपनी इज्जत और नामूस की हिफाजत करे शौहर के लिए, वह अतात बालहा, और अपने शौहर की इताअत करे। नबी कायनात फरमाते हैं कि अगर औरत को किसी के लिए सजदे की इजाजत होती तो मर्द के लिए सजदे की इजाजत होती। पता यह चला कि मर्द को यह हक दिया गया है क्योंकि एक मर्द औरत पे खर्च करता है। इस्लाम ने औरत को मकाम जरूर दिया लेकिन उसे सभा की परी नहीं बनाया, मकाम जरूर दिया लेकिन उसे मर्दों के शाना बशाना चलने का हक नहीं दिया, इज्जत जरूर अता की लेकिन उसे मर्द बनने की ताकत नहीं अता की है। इसलिए हमें इस चीज को समझना चाहिए। हां, जब हालात खराब हो, इनफरादी तौर पे मसला हल ना हो, तो फिर ऐसी सूरत में फवासु हकम मिन अहलिहा व हकम मिन अहलिही, दोनों घरानों के जो अरबाब हल्लो अक्द हैं, सूझबूझ रखने वाले हैं, मामला फहम है, इन युरीदा इस्लाह युवफ़िकिल्लाहु बैनहुमा, वो मामले को हल करने की कोशिश करेंगे। जब ये भी बात ना हो तो शरीयत ने तलाक की बात कही है, और वो तलाक नहीं जो आज लोगों ने बदनाम कर रखा है, बल्कि रजई तलाक देंगे, एक तलाक देंगे, तोहर की हालत में देंगे और अपने घर में रखेंगे ताकि हालात बेहतर हो जाएं। इसी के बरक्स अगर मर्द जालिम है, औरत परेशान है, उसकी वजह से बच्चों की जिंदगी अजीरन हो रही है, घर का माहौल खराब हो रहा है, पड़ोसी उसकी वजह से तकलीफ महसूस कर रहे हैं, तो फिर शरीयत ने इस बात की भी इजाजत दी है। जिस तरह से अहद रिसालत में एक वाकया पेश आया, साबित इब्ने कैस रजी अल्लाह ताला अन्हो की बीवी ने कहा अपने शौहर से मुतालिक, जो शक्ल के एतबार से बेहतर नहीं थे, कहा मा अईबु अलैहि मिन खुलकिन वला दीन वलकिन्नी अकरहुल कुफ्र फिल इस्लाम, मैं उनके कैरेक्टर के सिलसिले में, उनकी दीनदारी के सिलसिले में उन पर ऐबशीनी नहीं करता। अफसोस की बात है, आज हमारे मुस्लिम मुआशरे में तलाक देते वक्त शौहर बीवी को ऐसा नंगा करता है कि कहीं निकाह करने के लायक नहीं, बीवी खुला का तकाजा करती है तो शौहर के अंदर
बुराइयों की लंबी फहरिस्त लोगों के सामने पेश कर देती है। कुर्बान जाए इस खातून पर जिसने खुला की सुन्नत को नबी से सवाल करके जारी किया। उन्होंने कहा, मैं उनके दीनी और अखलाकी नाहिये से गुफ्तगू नहीं करती, लेकिन मैं मुसलमान होकर के नाशुकरी और हुकूक जो शौहर के हैं उसमें कोताही से डरती हूँ। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो उन्होंने बाग तुम्हें महर में दिया था तुम उसे वापस कर दो। फिर उन्होंने वो महर वापस किया और इस तरह से आपने जुदाई की। मालूम ये हुआ कि तलाक देना ये शरीयत का आखिरी हल है, लेकिन इस हल में कंडीशन है, प्रोसीजर है, उन प्रोसीजर से गुजरने के बाद तलाक का मसला हल होता है। भाइयों को और बिरादराने वतन को और दुनिया वालों को ये जानना चाहिए कि इस्लाम किसी भी कीमत पर न जुल्म को रवा समझता है, न करने के लिए न करने देने के लिए। इसलिए हमें ये समझना चाहिए कि मर्दों को हक तलाक दिया है तो औरत को भी हक खोला दिया है, लेकिन शर्त यह है कि औरत शौहर से तकाजा करेगी, शरई कोर्ट में या दारुल कदा में जाकर मामला पेश करेगी। शौहर को चाहिए कि वह औरत के इस मुतालबे को कबूल करके उसे जुदा करें। लेकिन याद रहे, हक़े खुला का ये हरगिज मतलब नहीं, जैसा कि आज हमारे बिगड़े माशरे में बात बात पर खवातीन खुला का तकाजा करती हैं, उनकी गलत तरबियत के नतीजे में या बदगुमानी के नतीजे में या शौहर के दूसरी शादी करने के नतीजे में या गैर शरई आबार के नतीजे में। याद रहे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो खातून या जो भी खातून बिना किसी माकूल वजह से तलाक का तकाजा करती है तो ऐसी सूरत में वो जन्नत की खुशबू से महरूम रहेंगी। शरीयत इजाजत जरूर देती है ताकि उसकी जिंदगी पुरसकून हो। निकाह का जो मकसद था हल नहीं हो रहा है, कहीं हो सकता है अल्लाह दूसरा रास्ता निकाले। शौहर मजबूर है, हालात खराब हैं, परेशानियां ज्यादा हैं, उसके साथ गुजारा होना मुश्किल है। उनकी मिसाल गाड़ी के उस दो पहिए की तरह से हैं कि जब दूसरा पहिया चलने के काबिल नहीं, गाड़ी रास्ते पर रुक गई है, अब ऐसी सूरत में इसकी तब्दीली और मरम्मत के बाद भी हो सकता है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि इस्लाम अदल का मजहब है, इस्लाम इंसाफ का मजहब है, दुनिया से जुल्म और सितम के खात्मे के लिए आया है। चाहे वो सबसे बड़ा जुल्म शिर्क हो या जिंदगी के जितने भी शोबे हैं, हर तरह के जुल्म के खात्मे के लिए आया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाहुल आलमीन तू हमें दीन की बुनियादों को समझने और उसके मुताबिक हमें अमल करने की तौफीक अता फरमा। हमें ये तौफीक दे कि हम शादी उसी अंदाज में करें और शादी के सिलसिले में उन तमाम प्रोसीजर का ख्याल रख करके इस जिंदगी में दाखिल हों जो शरीयत ने दीनदारी और कैरेक्टर के बुनियाद पर रखा है। और शादी के बाद हम ये ध्यान दें वआशिरूहुन्ना बिलमारूफ, भलाई के साथ उनके साथ गुजारा करें। कोई चीज नापसंद हो तो याद रखें ये हमारे घर की बावर्ची भी है, आया भी है, बच्चों को दूध भी पिलाती है, बच्चों के कपड़े भी धोती है, कभी नाराज होती है तो खुश भी होती है। किसी को इस दुनिया के अंदर पूरा जहां नहीं मिलता, इसलिए इन तमाम परेशानियों को ये समझते हुए कि अगर ये दुनिया दारुल इम्तिहान है तो इस दुनिया का एक हिस्सा हमारा घर भी है। सबसे बेहतर मर्द वो है जो नबी ने कहा अपनी बीवियों के लिए बेहतर है। सारी खामियां बीवियों में तलाशने के बजाय अपनी गरेबान में झांकना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला यफ्रुकु मुमिनुन मुमिना, कोई मोमिन किसी मोमिना से नाराजगी या न परेशानी या तकलीफ ना महसूस करे। अगर कोई आदत उसकी आपको बुरी लगती है तो दूसरी आदत भली लगेगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें एक सवाले और बेहतरीन माशरे में जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमा और इस कॉन्फ्रेंस के जितने अनामीन हैं उन्हें समझने और उन्हें बरतने की तौफीक अता फरमा। आमीन तकब्बल या रब्बल आलमीन। ऐसे ही फायदेमंद इस्लामिक वीडियोस देखने और मनहज सलफ पर किताबो सुन्नत की तालीमात को आम करने में हमारा ताउन करें ताकि आपके लिए जरिया नजात, जन्नत के हुसूल का सबब, साथ ही माल में बरकत व इजाफे का जरिया भी बने। आमीन। जजाकल्लाहु खैरन।